जी हाँ, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि बहुत से लोग अपना धन चोरी होने या डकैतों से बचाने के लिए जमीन में गाड़ दिया करते थे, और कई बार ऐसा भी होता था कि ये धन जिसका होता था वो निकाल नहीं पाता था और बाद में किसी और ऐसा गड़ा खजाना प्राप्त होता है। आइए जानते हैं पूरा मामला। रायपुर के छोटे से गांव भटगांव में रोज की तरह सुखदेव नाम का एक किसान, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास बताई जा रही है, अपने खेत में जुताई कर रहा था। इसी दौरान उसे महसूस हुआ कि उसका हल किसी भारी चीज से टकराया और वो चीज जमीन के अंदर है। जब उसने उस स्थान पर मिट्टी हटा के देखा तो उसे लगा कि यहाँ कुछ दबा हुआ है। जब उसने खुदाई करके देखा तो सुखदेव को वहां जमीन के नीचे एक मटका मिला। मटके के खोल के देखने पर सुखदेव को उसमें सोने के गहनों और भगवान की सोने मूर्तियां मिली। सुखदेव इस खजाने को देखकर दंग रह गया। उसने ये सूचना तुरंत गांव वालों को दी और उसके खेत में भीड़ जमा हो गई। साथ ही इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली और इस मौके पर तो पुलिस भी समय से पहले ही पहुंच गई। मामले की तहकीकात के बाद पुलिस ने कहा कि क्योंकि ये गड़ा हुआ धन है तो ये खजाना सरकारी संपत्ति है। पुलिस के इस पक्ष के ऊपर गांव वालों ने बहस शुरू कर दी। गांव वालों का कहना था कि जिस किसान के खेत में खजाना निकला है उस पर मालिकाना हक किसान का बनता है। पुलिस जबरदस्ती सरकारी संपत्ति बताकर कब्जा कर रही है। इस मामले के कुछ देर बाद ही मौके पर तहसीलदार आए और उन्होंने जौहरी को बुलाकर इस बात का पता लगवाया कि मटके के अंदर मिला सोना असली है या नकली। जब जौहरी ने इन गहनों की जांच की तो उसने बताया कि मटके में मिली सोने की चीजें नकली है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसी व्यक्ति ने खेत में कब्जा करने के इरादे से ऐसा किया है।